The characteristics of reports. So these are uh, the clarity. The first one is clarity. So the clarity can be achieved by the proper arrangement of facts. A report writer must be able to introduce his sources, describe and discuss his findings and finally make re rec uh, necessary recommendation so the clarity generally depends on the proper arrangement of facts so a good report is absolutely clear so re reporter should make its purpose clear define its sources state its finding and finally make necessary recommendation clarity of facts enhances the quality of the report right तो हमेशा जो आपके जो फैक्ट्स हैं उनका अरेंजमेंट अच्छे से करना चाहिए ताकि सामने वाले को अच्छे से आपकी बात समझ में आए राइट right? तो हमेशा रिपोर्ट में जो फैक्ट्स को आप अरेंज करते हैं वो प्रॉपरली करना चाहिए और जो रिपोर्ट राइटर रहता है उसको अपने सोर्सेस को इंट्रोड्यूस uh, करते आना चाहिए उसको डिस्क अपनी जो फाइंडिंग्स है उसको डिस्क्राइब और डिस्कस करते आना चाहिए उसके बाद लास्ट में नेसेसरी रिकमेंडेशन देना चाहिए तो हमेशा आपके रिपोर्ट में क्लैरिटी होना चाहिए और क्लैरिटी कैसे अचीव होगी प्रॉपरली बाय द प्रॉपरली अरेंजमेंट ऑफ फैक्ट्स और क्लैरिटी होने से जो क्वालिटी है रिपोर्ट की वो अच्छी हो जाएगी राइट द सेकेंड वन इज एक्यूरेसी So, accuracy of facts or details is a, is a prerequisite for any report. So, inaccurate accurate facts may lead to hazardous results. That means the information contained in a report must be based on accurate facts since decisions are taken on the basis of reported information. So any inaccurate information or statistics will lead to wrong decision. So it will cause delay in achieving the organizational goal. सो द फैक्ट्स शुड बी ऑलवेज एक्यूरेट राइट तो आप कोई भी जो फैक्ट बता रहे हैं जो भी इंसिडेंट रियल में हुआ है हमेशा वो रियलिटी uh, को लिखना चाहिए रिपोर्ट में तो उसके जो आप रिपोर्ट में लिखते हैं उसके फैक्ट्स हमेशा एक्यूरेट होने चाहिए अगर आप गलत सलत लिख देंगे तो उसका कंक्लूज़न भी ख़राब बनेगा और उसका रिकमेंडेशन भी गलत होगा राइट right? तो जो इनएक्यूरेट फैक्ट अगर आप लाएंगे अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन लाएंगे तो उसके रिज़ल्ट बहुत हजारडस हो सकते हैं उसके रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं जैसे कि अगर आप प्रोग्रेस रिपोर्ट बना रहे हैं और प्रोग्रेस रिपोर्ट में आपने इंडस्ट्री में क्या क्या काम हो चुका है अगर आपने फैक्ट्स सब कुछ गलत बता दी बता दिए या कोई एक्सीडेंट हो गया है आपने उसके बारे में सब कुछ गलत फ़ैक्ट बता दिया तो उसके कारण क्या होगा न्यूज़ भी गलत छप जाएगी और उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा हजार होगा मतलब किसी को भी रियल चीज़ के बारे में पता नहीं चल पाएगा कि एक्चुअल में जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें गलती किसकी थी वो सामने वाले को समझ में ही नहीं आएगी तो हमेशा जो फैक्ट है वो हमेशा एक्यूरेट होना चाहिए और प्रोग्रेस रिपोर्ट में भी अगर आप सही इन्फॉर्मेशन दोगे तो ही सामने वाले को समझ में आ पाएगा कि आपकी प्रोग्रेस कितनी ज़्यादा हो चुकी है आपके बिजनेस में राइट तो अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन दे दोगे तो फ्यूचर में भी फिर आपको नया प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने में फिर से इन्फॉर्मेशन पुरानी चेक करनी पड़ेगी और नए फैक्ट्स आपको फिर से मतलब तो फिर से आपको फैक्ट अरेंज करने पड़ेंगे राइट right? तो हमेशा एक्यूरेसी होनी चाहिए फैक्ट में द थर्ड वन इज रिलेवेंस सो एवरी फैक्ट मैंशन इन द रिपोर्ट मस्ट हैव अ रिलेवेंट ब्यूरिंग ऑन द सब्जेक्ट वाइल Irrelevant facts lead to a state of confusion. So, it means the fact presented in a report should be relevant. Irrelevant facts make a report confusing and likely to mislead decision making, right? तो हमेशा आप जब fact mention करते हैं report में तो वो सही होने चाहिए. अगर fact गलत होंगे तो उसके कारण confusion create होगा. या फिर आप मतलब इ फैक्ट होंगे मतलब जो जितना जरूरी है उतना ही मेंशन करना है रिपोर्ट में कुछ इ चीज़ें या कुछ बाहर की चीजें आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है राइट राइट लाइक लाइक आप जैसे एनुअल फंक्शन की रिपोर्ट बना रहे हो तो एनअल फंक्शन में क्या क्या हुआ uh, पहले सरस्वती वंदना हुई फिर गेस्ट आए फिर पूरा आपका प्रोग्राम हुआ तो ये सब आपके रिलेवेंट फैक्ट हैं लेकिन अगर आपने इलेवेंट क्या लिख दिया कि उसमें पाँच सौ कुर्सियाँ रखी थी उसके साथ ये फूल था ये था और ये मैम पिंक कलर की साड़ी पहनी थी तो ये सब इरेवेंट फैक्ट हैं जो कि उस टाइम पे जरूरी है हमें वही फैक्ट बताने चाहिए जो कि रिलेवेंट हो अगर हम इलेवेंट फैक्ट बताएँगे उस सिचुएशन से अनरिलेटेड मतलब जिसका हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अपने इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए तो अगर हम वैसे फैक्ट्स बताएंगे तो उससे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा राइट सो नेक्स्ट है प्रिसीजन सो द राइटर हैज टू बी नॉट ओनली क्लियर बट ऑल्सो प्रिसाइज अबाउट द सेंट्रल पर्पज ऑफ राइटिंग द रिपोर्ट प्रिसीजन मतलब य था मेन एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट्स एंड राइटर शुड बी क्लियर सो द पर्पजस ऑफ़ द रिपोर्ट शुड बी क्लियरली डिफाइन द प्रिसीजन ऑफ द रिपोर्ट प्रोवाइड्स द यूनिटी टू द रिपोर्ट एंड मेक्स इट अ वैल्यूबल डॉक्यूमेंट फॉर बेस्ट यूसेज राइट तो जो राइटर होता है उसको हमेशा क्लियर होना चाहिए उसके प्रिसाइज के बारे में मतलब उसके जो सेंट्रल पर्पज़ है रिपोर्ट लिखने के लिए उसके बारे में हमेशा उसको क्लियर होना चाहिए उसको प्रिसाइज होना चाहिए हमेशा राइट right? तो ये उसकी क्वालिटी होती है next have objectivity so the a writer should not be biased while giving recommendation at the end of the report. There should be impartial conclusion right? right means recommendation made at the end of a report should be impartial and objective it should not be biased and the personal feeling of the reporter. दे शुड कम एज अ लॉजिकल कंक्लूजन फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस मीन्स जो आप रिपोर्ट में जो लास्ट में जो कंक्लूजन देती हैं या रिकमेंडेशन देती हैं वो बायस नहीं होना चाहिए मतलब किसी भी एक पर्सन के पक्ष में नहीं होना चाहिए हमेशा दो जनों के मतलब दोनों जगह पर ध्यान देना चाहिए मतलब न्यूट्रल होना चाहिए बायस नहीं होना चाहिए किसी भी पर्सन के पक्ष में नहीं हमें कंक्लूजन देना है अगर एक्सीडेंट uh, हुआ है राइट right? अब जैसे ट्रक और कार के बीच में एक्सीडेंट हुआ है तो हमें बायस हो के सिर्फ कार वाले का साइड नहीं लेना है कि कार छोटी गाड़ी है तो हमेशा ट्रक की ही गलती होगी ऐसा जरूरी नहीं है हो सकता है कि कार रॉन्ग साइड से आ रही थी इसलिए ट्रक की टक्कर हो गई कार से तो इस चीज़ में दोनों की गलती है तो आपको बायस कंक्लूजन नहीं देना है जो सच्चाई है उसके बारे में बताना है मतलब आपको फैक्ट बताना है रिपोर्ट में सो अ राइटर शुड नॉट बी बायस वाइल गिविंग रिकमेंडेशन एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट राइट तो उसको रिकमेंडेशन uh, देते टाइम बायस नहीं होना चाहिए और ये हमेशा इम्पार्शल कंक्लूजन होना चाहिए द नेक्स्ट वन इज ग्रामेटिकल अप्रोप्रिएटनेस so the a report should abide by the laws of grammar and system the appropriate marks of punctuation should be used to give necessary pauses to the sentences that means a good report should be free from grammatical errors any faulty construction of a sentence may make its meaning different to the reader's mind and sometimes it may become confusing right or ambiguous सो so, आप जब भी कोई रिपोर्ट लिखते हैं तो वो हमेशा ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए राइट ताकि उसका आंसर जो रियलिटी है जो फैक्ट है वो कभी चेंज ना हो अगर ग्रामेटिकल एरर होगा तो उससे फैक्ट भी काफ़ी चेंज हो जाता है सिर्फ कॉमा कहाँ आपको पंचुएशन लगाना है कहाँ पे कॉमा यूज़ करना है कहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करना है कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए राइट तो हमेशा हमें जो आपकी रिपोर्ट होती है उसमें ग्रामेटिकल वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए एक्यूरेट होनी चाहिए रिपोर्ट सेवन कैरेक्टरिस्टिक्स है सिंप्लिसिटी सो रिपोर्ट इज अ सॉर्ट ऑफ साइंटिफिक डॉक्यूमेंट और प्रैक्टिकल यूटिलिटी इस रिमेन फ्री फ्रॉम फ्लॉवरी फ्लोवरी लैंग्वेज राइट सो so, हम जो रिपोर्ट लिखते हैं वो काफ़ी सिंपल होना चाहिए वर्ड्सवत्थ ने भी बोला है कि पोइट्री शुड बी रिटर्न इन अ सिंपल लैंग्वेज डेट कैन बी अंडरस्टूड बाय द कॉमन पीपल राइट तो आपकी जो रिपोर्ट होती है उसमें वो बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए उसमें साफ साफ लिखना चाहिए उसमें साइंटिफिक मतलब डॉक्यूमेंट uh, है तो उसमें फैक्ट्स के बारे में लिखना चाहिए उसमें फ्लॉवरी लैंग्वेज आपको यूज़ नहीं करनी है मतलब आपको मेटाफर्स और सीमिले uh, ये सब यूज़ नहीं करना है लाइक इट शुड बी रिटर्न इन अ सिंपल लैंग्वेज अवॉइडिंग जागन्स एंड टेक्निकल वर्ड्स फॉर ईजी एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग द मैसेज ऑफ ए गुड रिपोर्ट शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेट्री राइट तो रिपोर्ट हमेशा सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए तो ये इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ साइंटिफिक डॉक्यूमेंट ऑफ प्रैक्टिकल यूटिलिटी मतलब जो रियलिटी में हुआ है उसके बारे में आप लिखते हैं ये एक साइंटिफिक डॉक्यूमेंट है तो ये ये हमेशा फ्लॉबरी लैंग्वेज से फ्री होना चाहिए राइट सो दिस इज ऑल अबाउट द रिपोर्ट राइटिंग सो थैंक यू